lovers, and welcome to our channel Motorhome Adventures. This is your host Vidushi. अगर आप यहाँ नए हैं तो Motorhome Adventures एक 25 प्लस ईयर कंपनी है जो कि कैरवान्स और फूड ट्रक्स, इलेक्शन कैंपेन व्हीकल्स, क्लब ऑन व्हील्स जैसी व्हीकल्स को क्रिएट करती है, कस्टमाइज करती है और रेंट भी करती है, और उन्हीं कस्टमाइजेशन को हम फीचर करते हैं ऑन आवर वीडियो वॉक थ्रू द कन्वर्जन. बट क्योंकि वो सेगमेंट टोटली इन इंग्लिश है और आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे सेगमेंट से ऑफ वॉक थ्रू वो हिंदी में हो, इसलिए क्योंकि उसी सेम वीडियो को हिंदी में बनाना इज़ गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, तो हम लोग आज जिस लोकेशन पे है वहाँ पे हम आपको व्लॉग स्टाइल वॉक थ्रू देंगे ऑफ विलो इन एक्शन. मतलब कि अभी सब उस एमिनिटी को यूज़ कर रहे हैं जो आपको प्रोफेशनली हम दिखाते हैं शूट करके. सो वी आर गोइंग टू वॉक थ्रू दोज एमिनिटीज. फिलहाल हम हैं नदी किनारे इन जिम कॉर्बेट, लोकेशन इज़ मार्शला. सो आइए चलते हैं टूवर्स द कैरवान. सो एवरीबडी, बाकी सब लोग जा चुके हैं और हम जो है विलो के अंदर बैठ के अभी एग, ब्रेड, चीज़, ऑमलेट हैं खा रहे हैं. एंड अभी आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई ब्रेकी. Of working on field, I wasn't able to work on desk, so I just completed. This is the video which must have already been live. Ignore the mess please, and samne view hai, baki sab log wahan enjoy kar rahe hain. So Rambler, as I said in the morning, it had already left. Ab main bhi jo hai jane wali hu wahan pe, so thoda sa riverside view hum entertain karenge abhi. अभी तक हमारी जो आइटनरी थी इट वॉज़ ऑल गो गो गो, और अब फाइनली जाके हमको थोड़ा एट पीस होने का मौका मिला है. थोड़ी सी देर जो है मैंने काम किया, वर्कआउट किया, और वर्कआउट नॉट एक्चुअल वर्कआउट बट डेस्क वाला वर्कआउट. और अभी हम लोग यहाँ पे आए जस्ट टू क्लिक सम पिक्चर्स इन्जॉय करने के लिए. ये यहाँ पे अभी रोड, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी मेड अप ऑफ 4x4 व्हीकल्स. उसके अलावा दूर दूर तक आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली और पहाड़ दिखेंगे. कल हमने वहाँ पे लेपर्ड साइड किया है एंड वी गॉट टू नो कि वो जो पाथवे है, ये जो ट्री वाला पाथवे है, ये बेसिकली लेपर्ड का मूवमेंट यहाँ पे रहता है. सो टुनाइट लेट्स सी, अगर हम लकी हुए तो मे बी वील गेट वन साइटिंग, जैसे हमें इस बार टाइगर की साइटिंग हुई. और दैट इज़ दैट. रात को डिनर करेंगे एंड देन विल गो टू स्लीप.
एंड देन हम लोग सोने वाले हैं उसके बाद आराम से टू हैव आवर जर्नी बैक टू दिल्ली। ये यहाँ पे सफाई हो रही है हमारे चलते फिरते घर की, झाड़ू लगाई जा रही है, कार्पेट्स निकाले जा रहे हैं, डेली मेंटेनेंस हो रहा है। खेत की पॉक चोय भी बनाएंगे हम। वासु को रात में खा लेंगे, रात ही हो गई खैर अभी तो। छोले, पटेटोज, मोटर ऑफ कर दो। पटेटोज है क्या ये? मिक्स वेज ओके। आज का मील हमारा, अभी वी आर प्रिपेयरिंग टोफू, बेबी कॉर्न्स एंड दिस इज फ्रॉम मोटो एडवेंचर्स हेडक्वार्टर्स का फार्म एंड दैट इज दैट। बाहर बॉनफायर चल रहा है, सामने रिवर और होपफुली वी कैन साइड लेपर्ड्स टुडे, देखते हैं। टोफू इज ऑलमोस्ट रेडी, नेक्स्ट इज बॉक चॉय, राइस इज बीइंग रीहीटेड, छोले रेडी है, मिक्स वेज रेडी है, प्लेट्स रेडी, बॉनफायर ऑल्सो रेडी। Ready? Are you ready? हम लोग विलो की छत पे हैं, इट इज 12 AM ish और हम लोग अपना टेरेस पे सेटअप कर रहे हैं। सो
सो दैट हम देख सके फ्रॉम अ सेफ जोन विच अल्टीमेटली इज नॉट दैट सेफ बट या दैट इज दैट. नीचे किचन में हमारा हॉट चॉकलेट रेडी हो रहा है बाय शेफ वासु. द स्ट्रगल्स ऑन कमिंग अप फ्रॉम दिस हैच विदाउट अ लिफ्ट वॉज हिलेरियस. We have Kairi. The views are beautiful. The moon is extremely beautiful. We can see so many constellations from up here. And we are hoping to spot a leopard. Deers to dekh liye humne. Barking deer bhi, uski bhi awaaz suni. But visible as such abhi tak nahi hua hai kuch apart from theirs and one small stray something like a feline, not cat particularly. It was a fox. Maybe fox had a weird barking sound. यहाँ basically जो जंगल एरिया है यहाँ पे आपको sighting होती है. एक particular spot है जहाँ से leopard जो है उसका मूवमेंट रहता है. सो वी आर होपिंग कि आज हमें दिख जाए. सिर्फ हम तीन हैं फिलहाल तो द गर्ल ग्रुप गर्ल गैंग और ट्राई कर रहे हैं हम कि कुछ दिखे. लेट्स सी. फ्रिज में देखा फ्रिज में फ्रिज के पता नहीं ये हम हॉट चॉकलेट बना रहे थे विदाउट चॉकलेट हॉट हो गया लेकिन चॉकलेट नहीं है. अब क्या कर सकते हैं. अब हॉट चॉकलेट नहीं है तो चाय बनाओ. हमने होगा तो मैं और केक के साथ खाओ. यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कितना चीनी डाला है. पता ही नहीं हॉट चॉकलेट बना रहा चाय बना रहा है. क्या क्या मैं चखा ही नहीं है. क्या खाना है मेरे तो बहुत ज्यादा डली है. मैं चखने से पहले बता रही हूँ. भाई अब देरी अब चावल लेके आओ खीर बनेगा. कसम से बता रही हूँ मैं. अगर चाय पी ली ना खत्म है इंसान. मैं तो खीर बन जाएगा सिर्फ बता रही हूँ. ओह माय गॉड मैं तो ऊपर पैक हूँ क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं. अगर इतने महीने तक कहाँ होगा. और आज खुश है बहुत. अरे कपड़ों में तो नहीं अंदर छुपा के रखा चले कहीं. हॉट को चॉकलेट को हॉट ही बनाने के लिए उधर दो लोग ओके है. तीन लोग ओके. रोहित भैया चाय बनाते हैं लेने ना बर्तन धोते हैं के लिए. मैंने बोला था ना तेरे को फॉक्स है बोल के. फॉक्स वो छोटा सा. हाँ सो वी सॉ दिस फोकस 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 दिस यस्टरडे नाइट और हमें जैकल्स की आवाज़ भी आई थी अराउंड दैट साइड. पकड़ा एक और वो so, ये हमारी सारी वॉश्ड डिशेस हैं.
वॉश था वो गासू। आपके मुंह से कुछ सुनाई नहीं देती थी। मतलब मनांग मुस्तांग हर जगह जा सकते हैं। इसको दिखा दल की वीडियो। किसको? गोइंग गोइंग। दिखाना क्या मुझे याद? My morning lemon tea. आज इतना सनी नहीं है, क्लाउडी क्लाउडी सा है मौसम, बट इट्स फन, नॉट दैट चिली, नॉट दैट कोल्ड, जस्ट माई मॉर्निंग स्किन केयर। और अभी नदी किनारे जाके इंजॉय करते हैं लेमन। इवन दो हमारे पास बाथरूम में कन्वीनियंटली नहाने की स्पेस है, वी जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय बेदिंग इन नेचर, और एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं तो फिलहाल यहाँ वही हो रहा है। आइए चलते हैं टूवर्स द कैरावान। सबसे पहले तो जो गाड़ी है उसका कलर है गन मेटल ग्रे विथ लाइक द गन मेटल ग्रे स्ट्राइप्स, और ग्रे भी जो इसका कलर है अल्टीमेट कलर है। इनसाइड हमारे पास है कैबिन, कैबिन एरिया के अंदर आप आइएगा। तो ये है हमारा कैबिन एरिया, अभी सब कुछ मेसी है गाइस बिकॉज हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं एमिनिटी को, और ऐसा ही होता है जब कैरावान को यूज़ किया जाता है। तो अंदर आपका सीटिंग स्पेस है ड्राइवर हेल्पर का, एक और जो को ड्राइवर या अटेंडेंट है उनकी भी जगह है, बैटरीज हमारी सारी यहाँ स्टोर है। नीचे आप देखेंगे ये पूरा आपका जो एरिया है यहाँ पे बाथरूम का जो फ्लश का प्रेशर है उसका मेंटेनेंस, जो सारी एमसीज है, मेन एमसी, इन्वर्टर की एमसी, सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब मूव करते हैं टू दी अदर साइड। फ्रंट आप इसका देखेंगे जो फेशिया है इसका पूरा दैट हैज बीन कस्टमाइज, तो जो आपको नॉर्मल टेम्पो ट्रैवलर दिखती है उसके कंपैरिजन में इसका शो इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। और मर्सिडीज का लोगो इसमें इसीलिए है बिकॉज ये जो OM617 सीरीज इंजन था, जो स्पेशल एडिशन था, वो वाला वर्जन है ऑफ टेम्पो ट्रैवलर। सो अब चलते हैं पूरी आदि साइड। ये है हमारा ड्राइवर साइड, यहाँ पे हमारे पास है फ्यूल का इनलेट। This area basically is your outdoor shower area. So, आधे लोग मतलब एक इंसान अंदर ना रहा है, और इसलिए सेकेंड जो हमारा बाथरूम टेंट है उसको यूज़ करके हम आउटडोर शावर को यूज़ करके नहाने वाले हैं अभी मिस रिचा।
तो ये बेसिकली आउटडोर शावर के लिए टेंट सेटअप हो रहा है. यहाँ से जो है कनेक्शन है वाटर का. टेंट सेटअप करके जैसे अभी हमने बताया, हम लोग चार लोग हैं, पांच है वैसे इन टोटल इंक्लूडिंग ड्राइवर. बट अभी हमारे जो एक बाथरूम वाला एरिया है दैट इज़ ऑक्यूपाइड उस वजह से ही, और हमारे पास टाइम का जो है क्रंच है. दैट इज़ वाई एक जना बाहर ना रहा है और एक जना अंदर ना रहा है. ये व्यू है. वैसे तो हम नहा ही चुके हैं नदी किनारे. ब्रेकफास्ट के लिए ऑलमोस्ट प्रेप्ड है सब कुछ. ब्रेकफास्ट के अब तो ब्रंच ही होगा. ऐसे आप एंटर करेंगे अंदर से आपका शार, और आपका आउटडोर शार इन नेचर रेडी. दोनों आपके फॉसेट्स हैं ऑफ कोल एंड हॉट वाटर सप्लाई. पाइप है आपका, इसको आप टेंट के अंदर रखिए और फिर आप मूव कर सकते हैं. ये जो टेंट है ये आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और ये फोल्ड होके वापस आपके कैपर में जाएगा. अब चलते हैं पीछे की तरफ. ये है आपका फ्रेश वाटर इनलेट, मतलब कि जो आपका फ्रेश पानी है वो यहाँ से आएगा. दिस हैज अप्रोक्सीमेटली 250 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर टैंक, और इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं अप टू 300 लीटर्स. बट उसकी नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि द बाथरूम टेक्नोलॉजी वी हैव वो बहुत डिफरेंट है. अब पीछे आप देखेंगे टेम्पो ट्रैवलर आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है. बट ये जो एक्सटेंशन है ये है स्लाइड आउट डेक ऑफ विलो. जब आपकी गाड़ी स्टेशन है आप उसको सिंपली एक बटन को प्रेस करिए और ये खुल जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में करेंगे. मूविंग ऑन, ये है हमारा स्पेयर टायर. दिस इज द स्पेयर फ्यूल टैंक, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक. अब इसको जब आप खोलेंगे, सो इसको जब आप खोलेंगे ये पूरा सेटअप आपका खुल गया. स्विवल आर्म जैसे हमने न्यूक में भी दिया था, और ये बेसिकली आपको कुछ भी अगर यहाँ से लेना है अंदर से, सिंपली ओपन इट और आपका एक्सेस अंदर का जो डेक है उसका एक्सेस यहीं से है. ये जो मिरर है दो, इट्स अ कंसील मिरर. ये पूरा मिरर आप टॉप हंग जो है इसको खोल सकते हैं और पीछे का व्यू एंजॉय कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू दिस साइड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये है हमारी ऑनिंग. फिलहाल बांध रखी है हमने बिकॉज ऑफ सडन एक्सीडेंट दैट वी मेट. बट उसके अलावा आप इस ऑनिंग को साइड में पूरा एक्सपैंड कर सकते हैं, हाइट जो है उसकी मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एम्बियंस, व्हाटएवर द सिचुएशन इज. अगर बहुत विंडी है उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, अगर नहीं है. अल्टीमेटली दिस इज़ टू गिव यू प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर या एक्सेस लाइट, या फिर अगर बारिश हो रही है तो. अब अंदर की तरफ चलेंगे. स्लाइडिंग डोर है इसमें, और उसके बाद नीचे मोटराइज आपकी स्टेयरकेस है. अगर ये स्टेयरकेस जिसे आपको नहीं चाहिए जिस टाइम, सिंपली प्रेस अ बटन और ये अंदर चले जाएगा. अंदर अगेन जस्ट ए कॉशन, सब कुछ मेजअप है क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को एक्चुअल में. तो अंदर अगर आप आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बेडिंग एरिया है. दिस सोफ़ा ऑल्सो एक्सपैंड, तो ये एक्सपैंड होके अल्टीमेटली हमारा सोफ़ा बन जाता है फॉर अप टू 3 पीपल, राइट. ये सोफ़ा कम बेड बन जाता है. और उसके बाद ये जो बेडिंग है, अगर इसको हम रिमूव करते हैं, वी शैल डू रिमूव वन मैट्रेस, रिमूव टू. ये आप देखेंगे ये पूरा आपका जो एरिया है ये वहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू राइट नाउ बिकॉज हमें अभी खाना है. मूविंग ऑन, जो बेसिक एमिनिटीज़ है गाड़ी की वो है आपका स्पीकर है, देयर इज अ टीवी इनसाइड, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम, और एसी. आप देखेंगे जो ये एसी है, दिस इज एन ऑटो एसी जो कि आपकी व्हीकल से ही चलता है, बट दिस इज अ फ्री फ्लो यूनिट, मतलब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी. ये हमारा हैच है, इसको आप खोल सकते हैं. आई विल इंसर्ट अ क्लिप. यस्टरडे नाइट हम लोग ये जंगल लोकेशन में आए, तो हम चाह रहे थे कि एनिमल साइटिंग हमें किसी भी एनिमल की हो जाए, तो क्योंकि सेफ नहीं होता है बिकॉज लेपर्स की यहाँ साइटिंग होती है,
तो हमने इसको खोला, ऊपर क्लाइम किया और जो हमारी स्टेयर्स है, जो चेयर्स है सॉरी, उनको ऊपर रख के हम लोग एंजॉय कर रहे थे ऊपर का व्यू फ्रॉम ए सेफ प्रॉक्सिमिटी व्हाइल बीइंग ऑन द इनसाइड। सो अब बात करते हैं बाकी एमिनिटीज की। पूरा जो आपका साइड वॉल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जहाँ पे हमने छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं, जैसे ये एरिया अगर आप देखेंगे, ग्लासेस हमारे यहाँ है, देयर इज अ वॉलेट, देयर इज अ डेक ऑफ कार्ड्स, ये बेसिकली बना हुआ है रीइंफोर्स्ड फाइबर पैनल का। सो ये काफी स्टर्डी मटेरियल होता है। पूरा जो ये स्ट्रक्चर है पेंटेड है ये, और ये उसी मैनर में बना है। खिड़कियां सारी आपकी कंसील्ड है। ये बेसिकली पॉकेट्स आपको प्रोविजन देती है कि छोटी छोटी जो चीजें है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने हॉट बैग तक स्टोर कर रखा है, ये सारी चीजें आप अंदर स्टोर कर सकते हैं दोनों सोफास के अंदर। जो ये वाला सोफा है और जो नीचे वाला सोफा है, दोनों में हमारे पास स्टोरेज है। अब हम राइट मूव करेंगे तो शेफ वासु जो है वो खाना बना रहे हैं यहाँ पे। आई जस्ट ओपन ऑल दी लाइट्स देयर, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारी लाइट्स ओपन हो गई है। किचन में आप देखेंगे हमारे पास है सिंक, जो कि हमारा पूरा क्लियर सिंक है अंडर टॉप, और बर्नर है, टू टॉप बर्नर, लाइट है हमारे पास, माइक्रोवेव है, देयर इज अ फ्रिज हियर। ये हमारा स्टोरेज एरिया है जहाँ फिलहाल हमने एग स्टोर कर रखा है। यहाँ पे हमारी सारी यूटेंसिल्स हैं, दिस इज बेसिकली टू होल्ड ऑल योर ग्लासेस, और यहाँ पे अंदर है हमारा सिलेंडर। आई जस्ट शो यू, ये हमारा सिलेंडर है, कभी भी गाड़ी रुकती है, खाना बनाते हैं इसको यूज करिए। उसी के साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी है हमारा। दिस अगेन इज अ स्मॉल स्पेस जस्ट टू स्टोर योर सर्टेन निकनैक्स, अभी सब कुछ मिलते हैं क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इसको। मूविंग ऑन, ये हमारा बाथरूम एरिया है जो फिलहाल ऑक्यूपाइड है क्योंकि अ पर्सन इज यूजिंग दिस। पीछे की तरफ हम चलते हैं, चीला बन रहा है फिलहाल हमारा। अभी अभी हम आए हैं जस्ट आफ्टर हैविंग ए रियली गुड सेशन इनसाइड द स्ट्रीम, और ये बेसिकली हमारा एरिया है, द स्लाइड आउट एरिया। ओपनिंग इट, सबसे पहले हमारे पास है सिंक और हमारा स्टोरेज छोटू सा, देन वी हैव मोर स्टोरेज हुक्स। इसको आप अनलॉक कीजिए जब आपको नहाना है। पीछे आपका शावर है और ये एरिया आपका सेपरेट हो जाएगा, राइट। और उसके अलावा जो आपका कमोड है, दैट कमोड इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ न्यूमैटिक एक्टिवेटिंग वॉल्व, जो इसमें फ्लश है वो न्यूमैटिक एक्टिवेटिंग वॉल्व से बना है। यू कैन सी मी हियर, यू कैन सी वासु देयर। सो अल्टीमेटली फ्लश है, इसी की वजह से हमें वाटर का जो कंजम्पशन है हमारा वो ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज इस फ्लश को जब हम यूज करते हैं, जो वॉल्व है दैट इज समथिंग सिमिलर जो आपने एयरप्लेन्स में देखा होगा, एंड ये जो टेक्नोलॉजी है दिस यूजेस लेस देन 30 ml ऑफ वाटर पर फ्लश, तो इसीलिए हम इतना वाटर जो है सेव कर पाते हैं। ऊपर आपका हैच है विच यू कैन ओपन। कैमरा पर्सन वहां बैठे हैं, कैमरा पर्सन को मैं बैठे बैठे अपने पास लेके आने वाली हूँ, ऐसे। शी इज नॉट मूविंग, बट ये इसीलिए क्योंकि ये जो एरिया है पूरा स्लाइड आउट हो रहा है, राइट। अब ऊपर आप उठेंगे तो अब यहाँ देखेंगे कि दिस इज अ कैबिनेट, अगेन फॉर स्टोरेज पर्पस। दिस इज टीवी, म्यूजिक सिस्टम, नीचे सब कुछ मैसी है अभी, लेकिन ये शू के लिए एक सेपरेट एरिया है बेसिकली। ये भी जो सोफा है ये कन्वर्ट होता है आपका बेड में। इसको हम करते हैं पुल फोल्डर, जो आपका वो वाला मैट्रेस है सामने, वो मैट्रेस आपका यहाँ पे प्लेस करेंगे, और आपका ये एरिया भी जो है अप्रोक्सीमेटली आई से 5.6 feet का बेड जो है आपका एरिया यहाँ पे होगा आपके लिए प्रोविजन। ये बेड फिलहाल हमने चेंज किया है, जो ओरिजिनल वॉक्स रूम है उसमें आपने देखा होगा कि जो बेड है दैट्स अ फ्लिप फ्लॉप बेड, पहले इसको पूरा फ्लिप करना पड़ता था। सो मेमोरी हमारी फुल हो गई थी, सो वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी, बट व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये बेडिंग एरिया है, इसके अंदर भी स्टोरेज है आपका। ये बेसिक आपका स्टोरेज हो गया, एम्पल स्टोरेज स्पेस टू स्टोर एवरीथिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके जो पीछे वाला एरिया है जो आप एक्सेस कर सकते हैं पीछे से, वो भी एक अलग से स्टोरेज है। इसमें हमारे पास आप यहाँ आएंगे तो यू विल सी एक टॉप
हैश भी है आपके पास, जिसके थ्रू आप स्टार गेज करना है या कुछ भी करना है नाइट में कर सकते हैं। ये बेडिंग एरिया जो है, अभी मैं बिना सोए सो के दिखाती हूँ आपको इस पे। सी मेरी हाइट 5'6" समथिंग है एंड अभी मैं आराम से लेटी हुई हूँ। सो अभी अगर इसको ना भी प्लेस करें, आई जस्ट शो यू, ये पूरा बेड आपका खुला एंड दिस इज द एरिया जो हमारे पास था। यहाँ पे फिलहाल वासु एंड आई आर स्लीपिंग थ्रू आउट दिस ट्रिप। और इसके अलावा इधर भी स्टैंडर्ड अमेनिटीज है, आपकी सारी लाइट जो है बैटरी ऑपरेटेड है, जो आपका एरिया है आगे का उसमें एग्जॉस्ट भी है किचन में, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन। और ये आपके ब्लाइंड्स है फॉर प्राइवेसी पर्पस, एंड अगर कोई रात में सोना चाहता है विदाउट हैविंग एनी लाइट्स ऑन द फेस। सब्जी छिली जा रही है वहाँ पे फॉर पुलाव, जो हम रस्ते में खाने वाले हैं। यहाँ बन रहा है चीला, जो हम अभी खाने वाले हैं। चीला इज सर्व्ड, वन इज डूइंग स्किन केयर, जस्ट नहा धो के निकली, वन इज मेकिंग चीला, वन इज मेकिंग समथिंग एल्स। यस, सबसे खुला हुआ है। रिफिलिंग द वाटर लास्ट टाइम, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं, फाइनली डिपार्टिंग फॉर दिल्ली एट 4:30 PM। क्या चाहिए? कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ जी, फाइनली लीविंग करते करते आई थिंक 5 ही बज गए हमें, बट नाउ वी आर रिट्रेसिंग जर्नी बैक टू दिल्ली। देखो उधर शेर है। कोई देख लिया हमने, जा सकते होगा। सो अभी हम लोग रुके हैं ऑन सब पेट्रोल पंप नियर मुरादाबाद, दर वॉशिंग मूवी, और अभी हम करने वाले हैं हमारा डिनर। वी प्री प्रेप्ड पुलाव और वही खाने वाले हैं हम। डिनर इज सर्व, दिस इज लस्सी मेरे बाप दाई, एंड बाकी लोग भी खा रहे हैं। एंड दैट कंक्लूड्स दिस हिंदी वाला वॉक थ्रू। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। बहुत रॉ है, बहुत रस्टिक है ये अभी, क्योंकि सारी चीज़ें एज आई एम सेइंग कि हम यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ है मोटोम एडवेंचर्स के पाइपलाइन में, क्रिएशन में।
सो स्टे कनेक्टेड टू अस, फॉलो अस ऑन आवर डिफरेंट सोशल मीडियाज. अगर आपको ये एसेट विलो रेंट करना है तो यू कैन डू सो. मेमोरी फिर से चली गई, बट व्हाट आई वाज सेइंग इज स्टे कनेक्टेड टू आवर सोशल मीडिया. आपको ये रेंट या बिल्ड करना है, यू कैन डू सो थ्रू द लिंक्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड दैट कंक्लूड्स दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाय मोटरम एडवेंचर्स. साइनिंग ऑफ. Of our newest contestant.